अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब, शहबाज शरीफ ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद और शुमार जारी कर दिए हैं। यूएन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब सबसे ज्यादा बार देखा गया और शहबाज शरीफ जनरल असेंबली से खिताब में दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली इजलास से खिताब को अमरीकी सदर से भी ज्यादा बार देखा गया है। अमरीकी सदर का खिताब 1,01,000, चीन के वजीर खारजा वेंग यी का खिताब 81,000 लोगों ने देखा, जबकि तुर्किया के सदर का खिताब 51,000, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का खिताब 51,000 लोगों ने देखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली से खिताब यूएन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 बार देखा गया है। दुनिया भर के कायदीन का जनरल असेंबली से खिताब यूएन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर किया गया था। अल जजीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब 16,00,000 लोगों ने देखा और अल जजीरा टिकटॉक अकाउंट पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का खिताब 3,00,000 लोगों ने देखा। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक्वामे मुत्तहिदा असेंबली इजलास में मकबूजा फलस्तीन का मुकदमा पेश किया था और अपनी तकरीर के आगाज में गजा में जारी बदतरीन इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें मजम्मत से आगे बढ़कर इस जारहियत को फौरी रोकने का मुतालबा करना चाहिए। हम फलस्तीन के मुकदस सरजमीन पर एक बड़ा अलमिया रूनुमा होते हुए देख रहे हैं। फलस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो।